कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए पूरा जोर भी लगा रही हैं और इसी बीच नेताओं की बदजुबानी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया था, उन्हें जहरीला सांप बताया था। अब बीजेपी विधायक खड़गे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक कदम आगे निकल गए हैं। बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यतनाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या बता दिया है। बीजेपी विधायक ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी को विषकन्या बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी को माना है, अमेरिका ने एक समय उन्हें वीजा देने से इनकार किया था, बाद में उन्होंने रेड कार्पेट बिछाकर मोदी का स्वागत किया। अब बीजेपी विधायक ने लांघी है मर्यादा। प्रधानमंत्री मोदी और इडी जगत तक अमेरिका वंद काल वीसा को नम प्रधानमंत्री ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ಚತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲ ಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷ ಕಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡನಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ